चैनल देख रहे सभी लोगों का स्वागत। कैसा लगेगा अगर एक लैब में काम करते हुए एक एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट हो जाए और उसकी वजह से कोई डिस्कवरी हो जाए? ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी डिस्कवरीज एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट की वजह से भी होती हैं। लेकिन कैसा लगेगा अगर उस एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट की वजह से एक नोबेल प्राइज भी मिल जाए? ऐसी उदाहरणें भी आपको मिल जाएंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सरेज के केस में ऐसा ही हुआ था। लेकिन कैसा लगेगा अगर एक एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट की वजह से कई लोगों को नोबेल प्राइज मिल जाए, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे चार चार लोगों को नोबेल प्राइज मिल जाए? दिस इज समथिंग डिफरेंट। आज की वीडियो में ऐसे ही साइंटिफिक किस्से के बारे में बात करने वाले हैं। कहानी की स्टार्टिंग तो होती है क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलर और क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन से, लेकिन इसके ऊपर डिटेल में हमने वीडियोस बना रखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 1905 में आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दी थी। उनके हिसाब से अगर लाइट को एज अ वेव ना कंसीडर करके इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा कंसीडर किया जाए तो आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बहुत लोगों ने रिसर्च की, इन्हीं में से एक नाम है लुई डुबॉय का। फ्रांस की एरिस्टोक्रेट फैमिली से आने वाले लुई डुबॉय, इनके नाम के अगर स्पेलिंग आप देखें तो कई लोग इसको लुईस डी ब्रोगली पढ़ सकते हैं। जब हम छोटे थे हम भी लुईस डी ब्रोगली ही पढ़ते थे, लेकिन फ्रेंच में इसका प्रोनाउंसिएशन है लुई डुबॉय। लुई डुबॉय का थीसिस भी थ्योरी ऑफ क्वांटा पे ही था। लुई के बड़े भाई मॉरिस भी एक बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। 1920 की स्टार्टिंग में लुई डुबॉय ने और मॉरिस डुबॉय ने मिलकर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए और प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज के ऊपर भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए। मॉरिस जी मानते थे कि एक्सरेज आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स। इन एक्सपेरिमेंट्स का और मॉरिस की सोच का लुई डुबॉय के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लेटर ऑन लुई ने सोचा कि नेचर इज वेरी सिमेट्रिक, इफ वेव लाइक इफ लाइट कैन हैव सम पार्टिकल नेचर व्हाई कैन नॉट सम मैटर हैव सम वेव नेचर। लुई ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया दैट सेज दैट एनी मूविंग पार्टिकल और ऑब्जेक्ट हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। अगर एक वेव है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी। तो लुई ने एक फॉर्मूला प्रपोज किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मूविंग पार्टिकल। इसी इक्वेशन के और वर्शन भी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है, यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। इफ यू नो द थर्मल एनर्जी ऑफ दैट मूविंग पार्टिकल देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एंड सिमिलरली अदर फार्मूलाज आर ऑल्सो देयर। अब स्टोरी आती है दो और लोगों की, इनका नाम है डेविसन एंड जर्मर। जिस टाइम पे लुई डुबॉय अपना हाइपोथेसिस प्रपोज कर रहे थे, तकरीबन उसी टाइम में ये दोनों लोग भी अपनी लैब में कुछ और काम कर रहे थे। क्या जो एक्सपेरिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थे? जी नहीं। क्या जो एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टीज को कंफर्म करने के लिए थे? नो, बिल्कुल नहीं। डेविसन और जर्मर का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो एक निकल के प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट करके देख रहे थे कि वो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होने के बाद किस डायरेक्शन में जाते हैं। बेसिकली वो निकल के सरफेस की रफनेस को या स्मूथनेस को स्टडी कर रहे थे। डेविसन और जर्मर का अंदाजा था कि निकल का सरफेस कितना भी स्मूथ क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं कि माइन्यूट से माइन्यूट रफनेस से भी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्टेंस मिलेगी आपको इलेक्ट्रॉन्स की। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में एक अंतर होता है जो आपको इस फोटो में बहुत क्लियरली नजर आ जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक सरफेस पे बाउंस होने के बाद पार्टिकल्स या वेव एक खास डायरेक्शन में ही जाते हैं, लेकिन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में इररेगुलरिटी ऑफ दैट सरफेस की वजह से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन और वेव डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। तो एक डिटेक्टर लगाया गया, इलेक्ट्रॉन यहां से इंसिडेंट किए गए निकल सरफेस के ऊपर, और यहां पे एक डिटेक्टर था जो मूवेबल था दैट कुड डिटेक्ट दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंसिंग ऑफ एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स।
इन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की रास्ते में किसी और एटम या मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल एयर के साथ इंट्रैक्शन ना हो, इसीलिए इस सारे एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में परफॉर्म किया गया। अब यहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ। ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट थोड़ी अमाउंट में हवा उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर चली गई और इस एयर ने निकल के सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर ली। इस ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए डेविसन एंड जर्मर ने उस निकल प्लेट को हीट कर दिया। अब हीट करने से हुआ ये कि वो निकल सरफेस जो पहले पॉलीक्रिस्टलाइन था अभी प्योरली क्रिस्टलाइन बन गया। अभी आपको पता होगा कि क्रिस्टल में एटम्स एक खास ऑर्डर में प्लेस होते हैं। अगर सूटेबल वेवलेंथ की वेव उस मटेरियल पे उस क्रिस्टल पे डाली जाए देन यू कैन फॉर्म सम डायफ्रेक्शन पैटर्न, और ऐसा ही डायफ्रेक्शन पैटर्न इलेक्ट्रॉन्स ने फॉर्म किया। दिस वॉज एंटायरली अ न्यू थिंग। डायफ्रेक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स बट हियर इलेक्ट्रॉन्स वर एग्जिबिटिंग सम काइंड ऑफ डायफ्रेक्शन। चलो मान लेते हैं कि एक पल के लिए इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह बिहेव कर रहे हैं तो डायफ्रेक्शन फॉर्मूला को भी वो ओबे करेंगे। ब्रैग्स लॉ 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। जब ब्रैग फॉर्मूला में निकल की डी वैल्यू और डायफ्रेक्शन एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया गया तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 0.165 नैनोमीटर। बट वेट, लुई डी बॉय ने भी एक फॉर्मूला प्रपोज किया था दैट टेल्स यू अबाउट द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। अब इस एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी 54 वोल्ट्स पे और 50 डिग्री एंगल पे पाई गई। लुई डी बॉय के फॉर्मूला में जब इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू और इस वोल्टेज की वैल्यू डालेगी तब जो वेवलेंथ की वैल्यू आई दैट वॉज 0.167 नैनोमीटर। Now you have the wavelength of electrons from two entirely different concepts and from entirely different formulas. And at the same time, there is a striking agreement between these two values. ये लुई डी बॉय के हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था दैट कुड ऑनली बी पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट of heating that material just because some air entered into the vacuum chamber accidentally. So experimental evidence milne ke baad sun 1929 mein Louis de Broglie ko Nobel Prize mila. Davison aur Germer akele aise vyakti nahi the jinhone matter ki wave properties ko study kiya. Ek aur shakhs the jinhone same time pe individually independently इलेक्ट्रॉन्स की वेव प्रॉपर्टीज को भी कंफर्म किया था। इनका नाम था जीपी थॉम्सन। तो इसी वजह से डेविसन, जर्मर और जीपी थॉम्सन को 1937 में सांझे रूप में उनकी एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो देखा आपने कि कैसे एक एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को नोबेल प्राइज मिला। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो के खत्म होने से पहले इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।